दिल्ली में कोरोना से हड़कंप, एक बार फिर लौट रहा है कोरोना। पॉजिटिविटी रेट 20% के करीब, शासन प्रशासन भी अलर्ट। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना वायरस डराने लगा है। कई दिनों से मामलों में उछाल देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 20% के करीब पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि करीब 7 महीने में ये पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा है। चिंता करने वाली बात तो फिलहाल ये भी है कि देखा जा रहा है अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में अचानक इजाफा हो गया है। ऐसे में शासन प्रशासन अलर्ट हो गया है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। कोरोना के बढ़ते केसों के बीच कोताही बिल्कुल नहीं बरती जानी चाहिए। साथ ही कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राजधानी के तमाम अस्पतालों को भी तैयार रहने को कहा गया है। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के कुल 917 मामले सामने आए और इस दौरान 3 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। अब आप ये भी जान लें कि इन मामलों से डरने की जरूरत क्यों है। कोरोना पहले की तरह तेजी से फैल रहा है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि संक्रमित होने वालों में 90% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है। यानी कि वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद भी अगर आप कोरोना की चपेट में आ गए तो ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। यही वजह है कि लोगों को बूस्टर डोज लगवाने की अपील की जा रही है। वहीं दिल्ली सरकार भी तेजी से बूस्टर डोज लगाने पर काम कर रही है ताकि आने वाले कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। कोरोना के केसों पर लगाम कसने के लिए दिल्ली में अब मास्क पहनना एक बार फिर अनिवार्य किया गया है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ₹500 का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर लोगों से कहा कि मैं सभी से कोविड नियमों के पालन करने की अपील करता हूं। हम कोविड-19 के संक्रमण में वृद्धि देख रहे हैं, लगातार बढ़ते संक्रमण दर और लोग दोबारा संक्रमित हो रहे हैं। ये बेहद जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और मैं सबसे अपील करता हूं कि लोग कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करें। इसके अलावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अहम जानकारी देते हुए बताया कि जिन लोगों ने वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाई है वो काफी हद तक सुरक्षित हैं। अस्पताल में भर्ती हुए मरीजों में सिर्फ 10% ऐसे हैं जो बूस्टर डोज लेने के बावजूद कोरोना पॉजिटिव हुए हों। इससे साफ है कि बूस्टर डोज की मदद से आप ज्यादा सुरक्षित हो सकते हैं। फिलहाल दिल्ली में कोरोना तेजी से बढ़ता दिख रहा है, यानी कोरोना की चपेट में ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।